बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के टॉपिक्स, वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्राम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। वेव्स के जरिए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शेक द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग अप एंड डाउन। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवाते हैं, वी प्रोवाइड अवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो स्ट्रिंग को प्रोवाइड की जाएगी। एज अ रिजल्ट, उसके नतीजे में अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग। हमें वेव्स का एक सेट, एक ग्रुप नज़र आएगा जो वेव्स के अलॉन्ग चल रहा है। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट्स दैम इन मोशन। जो हमारे हाथ की वाइब्रेटिंग फोर्स है वो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को मोशन में लाएगी। दिस पार्टिकल देन ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स इन द स्ट्रिंग। तो जिन पार्टिकल्स को हमने स्टार्ट में एनर्जी दी वो अपने साथ जुड़े हुए, एडजेसेंट का मतलब होगा यहाँ पर साथ जुड़े हुए पार्टिकल या नज़दीकी पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। इस तरह एक पार्टिकल से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हुए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी मीडियम के अंदर वेव्स की शक्ल में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाई द वेव डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। एनर्जी की जो अमाउंट है यानी कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग की जो उसकी रेस्ट पोजीशन से हो। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग अपनी रेस्ट पोजीशन या मेन पोजीशन से ज़्यादा ऊपर गई हुई है तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड बना है, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वेव क्या होगी, बड़ी, और बड़ी वेव होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और अगर ये एम्पलीट्यूड कम है तो हम कह सकते हैं कि वेव छोटी है, और अगर वेव छोटी होगी तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी एनर्जी भी कम है। दैट इज़ द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड। इसी तरह अगर हम फास्टर शेक करते हैं, मतलब एक सेकेंड के अंदर सपोज हम 5 वेव्स बनाते हैं तो मोर एनर्जी पर सेकेंड है, और अगर एक सेकेंड के अगर हम अंदर 2 वेव्स बनाते हैं तो एनर्जी रेट जो है वो कम हो जाएगा 2 वेव्स पर सेकेंड। तो एनर्जी ट्रांसफ़र रेट डिपेंड करता है कि कितने कम टाइम में आप कितनी ज़्यादा वेव्स दे लेते हैं। एंड द वेव्स डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव फॉरवर्ड। इसी तरह अगर हम जल्दी जल्दी वेव्स बनाएंगे तो वो मोर एनर्जी पर सेकेंड दे सकेंगे। स्टूडेंट्स, वाटर वेव्स ऑल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्राम वन प्लेस टू अनदर। और यही आज हम एक एक्टिविटी के जरिए भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह वाटर वेव्स जो हैं वो वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी को प्रूव करती हैं। एक्टिविटी 10.3, ड्रॉप अ स्टोन इन टू अ पाउंड ऑफ वाटर। पानी के तालाब में एक पत्थर फेंके। वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड। जहाँ पर वेव्स पैदा होंगी वहाँ से बाहर की तरफ वेव्स चलेंगी। प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्राम द फॉलिंग स्टोन। जहाँ पर हमने पत्थर गिराया उससे थोड़े डिस्टेंस पर एक कॉर्क, प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है। इट विल मूव अप एंड डाउन अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स। ये ऊपर और नीचे हरकत करेगा उन्हीं वाटर पार्टिकल्स के साथ जो वेव्स के ज़रिए वाइब्रेट कर रहे हैं। बाई गेटिंग एनर्जी फ्राम द वेव्स। और इस कॉर्क को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वेव्स से। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इसी तरह जो वेव्स पैदा हुई हैं उन्होंने अपने रास्ते में मौजूद कॉर्क को भी एनर्जी प्रोवाइड की। मतलब उन वेव्स को तो एनर्जी मिली है उस पॉइंट से जहाँ पर हमने स्टोन गिराया है, लेकिन उन्होंने वही एनर्जी कॉर्क तक डिलीवर की है। तो यहाँ से हमें ये प्रूव हुआ कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाली लाइन है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। जनरेटिंग अ हाई फ्रिक्वेंसी वेव, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स पैदा करना रिक्वायर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड के अंदर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है अगर हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स बनाते हैं। टू जनरेट अ लो फ्रीक्वेंसी वेव
उसके लो फ्रिक्वेंसी वेव के मुकाबले में हमें हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दस अ हाई फ्रिक्वेंसी वेव कैरीज मोर एनर्जी देन अ लो फ्रिक्वेंसी वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर मैटर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है जिसमें हमने देखा कि एनर्जी को वेव के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा, यानी कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान रिलेशन। स्टूडेंट्स वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेंस हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग। ये तो साफ जाहिर है कि अगर वेव्स चलती हैं तो उनकी वेलोसिटी होगी और वो स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव विच इज़ डिफाइंड बाई वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला रिमाइंड किया है तो उसके मुताबिक वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसको अगर हम सैम्पल्स की सूरत में लिखें तो वी इज इक्वल टू डी ओवर टी। यहाँ पर हम इसको डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं अगर हम वेव्स की स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो। उसके बाद इफ टाइम टेकन बाय द वेव इन अ मूव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। अगर हम वेव के ट्रांसफर होने के टाइम को टाइम पीरियड जितना कर दें, मतलब सपोज वेव्स का टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स और उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी 2 सेकेंड्स ही लगते हैं, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू 1 वेव लेंथ। तो वेव जो डिस्टेंस कवर करेगी वो भी 1 वेव लेंथ के इक्वल होगा। वेव लेंथ हमने दो केसेस में वेव लेंथ को पढ़ा था, एक डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ्स और क्रेस्ट, ओके, दूसरे केस में हमने डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशंस और एयर फ्रैक्शन पढ़ा था। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हैंस वी कैन राइट वी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। अगर हम डिस्टेंस को जैसा हमने लैम्डा कह दिया और टाइम को टाइम पीरियड से रिप्लेस कर दिया तो उससे हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा, बट द टाइम पीरियड टी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रिक्वेंसी। हमें यह भी पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। अगर हम इस टाइम पीरियड की जगह ये वाला रिलेशन अप्लाई करते हैं तो एफ ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। दिस रिलेशन इज़ ट्रू फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसफर वेव्स। हमने वेव्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। तो ये वाला जो रिलेशन अभी मैंने बनाया ये दोनों पर इक्वली अप्लाई होता है। एग्जाम्पल 10.2 इसी रिलेशन को वेरीफाई करेगी और ये शॉर्ट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्पल 10.2। इसके अलावा ऊपर जो हमने रिलेशन पढ़ा है ये लॉन्ग क्वेश्चन का है। अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी स्लिंकी सॉफ्ट स्प्रिंग विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्स, यानी कि 1 सेकेंड्स के अंदर 4 वेव्स पैदा हो रही हैं जिसका मतलब 4 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होगा। उसके बाद एंड वेव लेंथ ऑफ 0.4 मीटर, और उस वेव इन वेव्स की वेव लेंथ भी उन्होंने बता दिया 0.4 मीटर। वट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, इन वेव्स की स्पीड्स क्या होगी। स्टूडेंट्स एफ और लैम्डा हमें मालूम है, अभी हमने रिलेशन पढ़ा है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसमें हम ये अप्लाई करेंगे एफ और लैम्डा मल्टीप्लाई होंगे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी जिसमें हमें पता चलेगा कि वेव्स किस तरह एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, और उसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही उसको प्रूव किया। उसके बाद हमने एक रिलेशन पढ़ा वी एफ और लैम्डा का, और उसको हमने प्रूव करने के बाद एक सैम्पल प्रॉब्लम के जरिए सॉल्व करके वेरीफाई भी किया। तो स्टूडेंट्स आज के ये दोनों टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के थे, आप इनको बार बार सुने और हर बार सुनने पर आपको नई चीज़ें सामने आएंगी। एक बार आपने सुना तो कुछ चीज़ें जो मिसिंग होंगी वो दूसरी बार सुनने पर सामने आ जाएंगी। उम्मीद है आप लोगों ने इस लेक्चर को गौर से सुना होगा और इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।